पीटीआई धरने में पार्लियामेंट पर हमला किया गया, सिविल नाफरमानी का ऐलान हुआ। रिकॉर्ड पर मौजूद है शेख रशीद, जलाओ घेराव का ऐलान किया। हुकूमत को आईना दिखाता हूं तो उनको बुरा लगता है। रहनुमा जेयूआईएफए गफूर हैदरी ने हुकूमत को माजी याद करवा दिया। बोले, हम पुरमन हैं, आज़ादी मार्च को 11 रोज हो गए, अभी तक एक गमला भी नहीं टूटा। हुकूमत को मामले पर संजीदगी दिखाने का मशवरा दिया। मैं जब इनको आईने दिखाता हूं तो वो नाराज होते हैं। जनाबे चेयरमैन, मेरे इस एहतजाज और आजादी मार्च को आज 11वां दिन है, एक गमला भी नहीं टूटा, लेकिन आपने यहां लाठी बरदार देखे, जिन्होंने तशरीफ रखे दफ्तर पे कब्जा किया, स्पीकर साहब को वाइंड अप करें, जिन्होंने पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल किया, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे तशरीफ रखे, जनाबे चेयरमैन इन्होंने तआफुन फैलाया और इमरान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और यूटिलिटी बिल फाड़ दिए। महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की कदर में कमी और तरक्याती कामों का न होना, ये सारी चीजें पूरी कौम के सामने है, इसलिए पूरी कौम सरापा एहतजाज है। माजी में कभी ऐसी कोई हुकूमत नहीं गुजरी जो कौम इस तरह उनके खिलाफ हो। मैंने कहा कि ये तहरीक है, ये जलसा नहीं है, एक दिन का जलसा नहीं। तो जब तहरीक चल रही होती है तो तहरीक के सामने फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। आज हमने यहाँ जलसा किया, हम 10 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, फिर अगर क़यादत फैसला करती है कि हमने कोई किसी और ऑप्शन पे बनाएंगे। देखिए, हमारे सामने जो है वो पूरे मुल्क का लॉकडाउन भी है, शटर डाउन भी है, और इसी तरह जेल भरो तहरीक भी है, इज्तिमाई इस्तीफों की बात भी है। तो कायदीन जो भी तय करेंगे इंशाल्लाह वही उसी पर चलेंगे, और ये सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन।